वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। इडियम्स एंड फ्रेजेज में आज 91 से लेकर के 95 तक पांच इडियम्स एंड फ्रेज को कंप्लीट कर लेंगे। आज का पहला है अ डार्क हॉर्स, हिंदी है इसका छुपा रुस्तम। दूसरा है अ व्हाइट एलिफेंट, महंगा किंतु बेकार वस्तु। क्रोकोडाइल टीयर्स, बनावटी आंसू। अ स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप। और लास्ट है अ डॉग इन द मैनेजर पॉलिसी, कबाब में हड्डी। समझते हैं पांचों को और कोशिश करेंगे कि पूरा ये लेक्चर खत्म होने तक पांचों याद रहे। अ डार्क हॉर्स, हॉर्स मतलब घोड़ा। कैसा घोड़ा? डार्क। डार्क का मतलब यह होगा कि बहुत सुंदर नहीं है देखने में, बहुत सुंदर नहीं है, डार्क है, तो उस तरह का हॉर्स। और इसकी हिंदी है छुपा रुस्तम। तो डार्क हॉर्स जो इडियम है, इसका दो एस्पेक्ट होता है इसमें। एक होता है कि जो आदमी अननोन है, अननोन मतलब जिसे हम जानते ही नहीं हैं, और दूसरा वह अननोन तो है और काम कर देता है, अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसके बारे में जानकारी सबको नहीं है, बहुत कम लोगों जानकारी है। जो घोड़ा है, रेस में घोड़ा भाग लेते हैं तो बहुत सारे घोड़े होते हैं, उसमें एक डार्क हॉर्स होता है जिस पे कोई देखता भी नहीं है, क्योंकि उसके बारे में किसी को पता नहीं है, अननोन है, न सुंदर काफी लगता है न काफी हेल्दी होता है, राइट। फिर वह क्या करता है, उस रेस को जीत जाता है। तो जो अननोन है और वह जब अनएक्सपेक्टेड काम कर लेता है तो उसको कहते हैं डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स यही है कि जब कोई लड़का, कोई स्टूडेंट जो देखने में बिल्कुल शांत शांत सा लगता है, पहनता भी साधारण किस्म का है, कुछ नहीं बोलता, हल्ला गुल्ला कुछ नहीं करता क्लास में, जब एग्जाम होता है, चाहे वो यूपीएससी का चाहे कोई भी एग्जाम एग्जाम होता है, तो वह सबसे आगे आता है। क्या बोलेंगे आप उस लड़का को? उसे बोलेंगे छुपा रुस्तम, डार्क हॉर्स। नाउ राम प्रूव टू बी अ डार्क हॉर्स। राम साबित हुआ एक छुपा रुस्तम इन द यूपीएससी एग्जाम, यूपीएससी परीक्षा में राम छुपा हुआ रुस्तम साबित हुआ। तो आप समझ रहे हैं, मतलब जिसके बारे में हम जानते कम हैं और जिससे अपेक्षा ही नहीं होती हमारी, और वह अचानक सा सबसे आगे आता है, तो कहलाता है छुपा रुस्तम, छुपा हुआ रुस्तम। नाउ अ व्हाइट एलिफेंट, आप जानते हैं थाईलैंड में व्हाइट एलिफेंट पाए जाते हैं, जो जीके की बात है, अभी थाईलैंड को छोड़ देते हैं। व्हाइट एलिफेंट, आप एक एलिफेंट को मेंटेन करना, उसका देखभाल करना कितना महंगा होता है, यह तो आप जानते ही हैं। अब वह भी एलिफेंट व्हाइट हो, जो जैसे जिस तरह से व्हाइट कपड़ा अपना मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल सा होता है, बचा कर रखना भी पड़ता है और बार बार उसे साफ भी करना पड़ता है, और साफ करेंगे तो प्रेसिंग करनी पड़ेगी, वैसे ही व्हाइट एलिफेंट जो होता है, इसका मेंटेनेंस खर्च बहुत अधिक होता है, इसको बहुत अधिक ख्याल रखना पड़ता है इसका। साथ में जो व्हाइट एलिफेंट होता है उसमें स्टेमिना, ताकत उतनी नहीं होती जितनी की नॉर्मल एलिफेंट, जो एशियन एलिफेंट्स होते हैं, जो आप देखते हैं जिस कलर के, उनमें होती है। तो क्या है, एक तो व्हाइट एलिफेंट महंगा है और दूसरा क्या है, बेकार है, बेकार ही कहेंगे, कोई काम का नहीं होगा वो। तो इसलिए जिस तरह से व्हाइट एलिफेंट रखना एक महंगा और बेकार का काम है, चाहे व्हाइट एलिफेंट महंगा और बेकार की वस्तु मान लेते हैं उसे, तो वैसे ही कोई पर्सन, कोई स्लैकर, स्लैकर मतलब कामचोर, कोई स्लैकर है किसी कंपनी में, तो कंपनी को तो उसको पैसा देना पड़ेगा, तो महंगाई तो एक, और कामचोर है मतलब बेकार है, तो इसे महंगाई भी और बेकार भी दोनों आ गए यहाँ पे, इसलिए इसे कहेंगे स्लैकर को व्हाइट एलिफेंट। सेंटेंस में देखते हैं, अ स्लैकर इन अ कंपनी इज लाइक अ व्हाइट एलिफेंट। एक कामचोर एक कंपनी में महंगा किंतु बेकार वस्तु के समान होता है, व्हाइट एलिफेंट के समान होता है। सुटेबल यूज किया। नाउ क्रोकोडाइल टीयर्स, टीयर्स यूज करना है आपको, टीयर यूज नहीं करना है, टीयर्स करना है यूज, बनावटी आंसू।
अब देखिए आंसू कोई कब रोता है? जब कोई गलती करता है तो रोता है, तो उसे बोलते हैं आंसू। बनावटी आंसू क्यों कब होता है? तो क्रोकोडाइल क्या करता है, किसी शिकार को निगल जाता है, पूरा खा जाएगा, और खा जाएगा तो फिर आंख से आंसू निकालने लगता है। मतलब ऐसा समझ में आता है कि दुखित हो गया खाकर। और इतना ही नहीं, अगर दूसरा शिकार मिले तो आंसू निकलने दीजिए, कोई बात नहीं, दूसरा भी निगल जाएगा, तो ये आंसू कैसे कहलाएंगे? बनावटी। एक प्राणी के प्राण ले रहा है ये मगरमच्छ, और रो भी रहा है, ये बनावटी आंसू होते हैं। तो इसी तरह के बनावटी आंसू, मतलब अपना उल्लू सीधा करने के लिए हम लोग भी बनावटी आंसू का प्रयोग करते हैं, सेंटेंस में यूज किया है। अन इनोसेंट पर्सन, एक इनोसेंट पर्सन, सीधा सादा आदमी, इनोसेंट मतलब सीधा सादा आदमी, इज डिसीव्ड, धोखा खा जाता है, बाय क्रोकोडाइल टीयर्स, बनावटी आंसुओं द्वारा। एक सीधा सादा आदमी बनावटी आंसुओं द्वारा धोखा खा जाता है, एक क्रोकोडाइल टीयर्स हो गया। नाउ अ स्नेक इन द ग्रास, घास में स्नेक, क्या मतलब हुआ कि स्नेक घास में क्या होता है, छुपा हुआ होता है। हाँ, घास में स्नेक छुपा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, आस्तीन का सांप, इसका हिंदी है, यह एक हिंदी का मुहावरा है। आस्तीन क्या होता है, जो स्लीव होता है ना हमारा, स्लीव क्या, जो कपड़ा पहनते हैं तो जो बांह, जो हाथ होता है, हाथ के पोर्शन से आता है, कंधे के बाद से हाथ तक आता है, उसको कहते हैं स्लीव। लड़कियां स्लीवलेस पहनती हैं कपड़ा अधिक। हाँ, हम लोग स्लीव वाले पहनते हैं, फुल वाला भी स्लीव होता है और हाफ स्लीव भी होता है, तो स्लीव मतलब हमारे कपड़े में ही, जो हमारे सबसे पास है उसमें ही सांप है, इसे बोलेंगे स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप। कैसे होता है, जैसे हमारा एक दोस्त है, मैं हूं ए और फ्रेंड है बी। किसी ने गलती किया, हम दोनों ने देखा, लेकिन जब टाइम आ रहा है साबित करने के लिए, किसी ने आरोप लगा दिया मेरे पे कि मैंने गलती किया है, बी जानता है, मुझे भरोसा है कि बी देखा है और कोई कुछ भी कल है, कुछ होने वाला नहीं है, बी बोल देगा तो हो जाएगा। लेकिन जब बोलने का टाइम आता है, बी क्या कहता है, बोलता है नहीं, ए नहीं गलती किया है। इसे क्या कहते हैं, जो आपका गहरा मित्र है वही आस्तीन का सांप निकला, धोखा दे दिया। राइट, द स्नेक इन द ग्रास मतलब समय पर पट्टी मार देना होता है हानि पहुंचाने के लिए। नाउ एवरीबॉडी शुड बी केयरफुल ऑफ ए स्नेक इन द ग्रास, सभी लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को शुड बी केयरफुल ऑफ, सावधान रहना चाहिए एक आस्तीन के सांप से। नाउ द लास्ट वन इज अ डॉग इन द मैनेजर पॉलिसी, मैनेजर पॉलिसी बनाता है, प्रबंधक क्या करता है, पॉलिसी बनाता है, नीति बनाता है, उस नीति में डॉग का होना, डॉग का होना मतलब बाधा का होना, डॉग मतलब बाधा, यहाँ पे डॉग मतलब कुत्ता डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे हम बाधा समझते हैं। मैनेजर अपनी पॉलिसी बना रहा है और पॉलिसी में कुछ ना कुछ रुकावट है, उसे कहेंगे डॉग। ठीक है, पॉलिसी में कुछ ना कुछ रुकावट होती है, इसे कहते हैं कबाब में हड्डी। आप कबाब के बारे में जानते होंगे, कबाब जो एक डिश है, यह एक डिश है, इसमें क्या होता है, मीट या चिकन से बनाया जाता है और इंश्योर किया जाता है कि उसमें हड्डी थोड़ा भी ना रहे। अब कबाब खा रहे हैं, तुम्हें भरोसा है कि कबाब में हड्डी तो होती नहीं है, लेकिन कबाब में हड्डी आ जाए तब तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड और मजा खराब कर देता है। तो इसे ही बोलते हैं अ डॉग इन द मैनेजर पॉलिसी, सेंटेंस में यूज किया। इन आवर पार्टी, हमारे पार्टी में, माई टीचर्स एंट्री प्रूव्ड एज अ डॉग इन द मैनेजर पॉलिसी, मेरे शिक्षक की एंट्री, उनका प्रवेश, पार्टी हो रही थी, शिक्षक ने प्रवेश कर लिया, प्रूव्ड एज अ, साबित हुआ एज अ डॉग इन द मैनेजर पॉलिसी, कबाब में हड्डी साबित हुआ। मतलब हम सब पार्टी कर रहे थे, हम सब स्टूडेंट हैं, हम सब पार्टी कर रहे थे, वहां पे हमारे टीचर आए, बोले कि मैं भी पार्टी करूंगा, शामिल होऊंगा,
तो टीचर है तो टीचर का लिहाज तो करना पड़ेगा। हम उतने खुल के डांस नहीं कर सकते, हम उतने खुल के गा नहीं सकते हैं, हम उतने खुल के मस्ती नहीं कर सकते हैं, तो क्या कहेंगे, टीचर हमारे कबाब में हड्डी साबित हो गए, अ डॉग इन द मैनेजर पॉलिसी। तो आज जो पांच पर है, अ डार्क हॉर्स छुपा रुस्तम, अ वाइट एलिफेंट महंगा किंतु बेकार वस्तु, क्रोकोडाइल टीयर्स बनावटी आंसू, अ स्नेक इन द ग्रास आस्तीन का सांप, और अ डॉग इन द मैनेजर पॉलिसी कबाब में हड्डी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।